तो यार पिछले टाइम मैंने दुबई से एक लैम्बोर्गिनी मंगाया था, लेकिन इस लैम्बोर्गिनी के साथ क्या हादसा हो जाता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जब मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को घर लेकर आता हूँ और पीछे साइड से पार्किंग में लगा देता हूँ, मैं यही सोच रहा था यहाँ पे रखने से सेफ है कि नहीं, क्योंकि ये सिटी में किसी के पास भी लैम्बोर्गिनी नहीं है, कोई भी इस गाड़ी को चोरी करने का जरूर सोचेगा। अभी मेरे गैरेज से मेरी लैम्बोर्गिनी की आवाज आ रही थी और जब मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ तो मेरी लैम्बोर्गिनी वहाँ से चोरी हो चुकी थी। मैं ज्यादा लेट ना करते हुए पुलिस के नंबर पे कॉल लगाता हूँ और उसे यहाँ पे बुला लेता हूँ। कुछ देर बाद पुलिस भी आती है और सब कुछ देखने के बाद वो मुझसे कहते हैं, देख भाई तेरी गाड़ी जो यहाँ की सबसे बड़े ड्रोन ने चुराई है, पुलिस लोग उस ड्रोन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसके पास बहुत सारे आदमी है। ये पुलिस का बात सुन के मैं समझ जाता हूँ ये लोग ड्रोन से बहुत डरते हैं। तो मैं इसी पुलिस की गाड़ी की चाबी लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ ड्रोन के घर अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए। मैं फुल स्पीड में पुलिस की गाड़ी लेकर उसकी गाड़ी पे ठोक देता हूँ और अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर वहाँ से फटाफट निकल लेता हूँ, लेकिन इन्हें पता चल जाता है और ये लोग आगे की रास्ता को ब्लॉक कर देते जिसके कारण